हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का जो फोर लेसन की पोएम है जिसका नाम चिल्ड्रन है और इसे लिखा है H.W. लॉन्ग फेलो ने। तो यहां पर फ्रेंड्स ये जो पोएम है, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और इसकी हम डिस्क्राइब करेंगे हिंदी में। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, मेरे पास आओ ओ ये चिल्ड्रन, ओ मेरे बच्चे। फॉर आई हियर यू एट योर प्ले, क्योंकि मैं तुम्हारे खेल में तुम्हें सुनता हूँ, क्योंकि तुम्हारे खेल में मैं तुम्हें सुनता हूँ। क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी, और जो वो सवाल जिन्होंने मुझे गफलत में डाल दिया है, वो सभी सवाल जिन्होंने मुझे गफलत में डाल दिया है, हैव वनिश्ड क्विट अवे, वे पूर्णतः समाप्त हो गए हैं, दूर चले गए हैं। ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज, तुम अपने पूर्व की खिड़कियां खोलो, दैट लुक टूअर्ड्स द सन, जो सूर्य की ओर देखती हैं। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वालोज, वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वालोज, जहां पर विचार छोटे पक्षियों के गीत गा रहे हैं। एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, जहां पर सुबह की नदियां बह रही हैं। In your hearts, the birds and the sunshine, तुम्हारे हृदय में पक्षी और सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश है। In your thoughts, thoughts means होता है विचार, और तुम्हारे विचारों में the brooklets flow, brooklets flow का मतलब होता है छोटी नदियाँ, brooklets, जहाँ पर तुम्हारे विचारों में छोटी नदियाँ बहते हैं। But in mine, लेकिन मेरे विचार में is the wind of autumn, विंड माने होता है हवा और ऑटम मीन्स होता है पतझड़, लेकिन मेरे विचारों में पतझड़ की हवा बहती है। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और हिमपात का पहला गिरना, मेरे विचारों में हिमपात का सबसे पहले गिरना और पतझड़ की हवा बहती है। तो ये फ्रेंड्स, ये इसका इस स्टेंजा का भावार्थ था। आगे देखते हैं। कम टू मी ओ ये चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, कम टू मी, मेरे पास आओ ओ ये चिल्ड्रन, ओ मेरे बच्चों। एंड विस्पर इन माई ईयर, और मेरे कानों में आके फुसफुसाओ, व्हाट ही बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, कि पक्षी और हवाएं, इन योर सनी एटमोसफियर, इस सनी एटमॉस्फेयर, धूपदार वातावरण में ये पक्षी और हवाएं क्या गा रहे हैं। आगे हम देखेंगे, फॉर व्हाट आर ऑल आवर काउंट विंग्स, फॉर व्हाट आर ऑल आवर काउंट विंग्स, उन सभी चतुराईपूर्ण योजनाएं, फॉर व्हाट आर ऑल आवर काउंट विंग्स, काउंट विंग्स में होता है चतुराईपूर्ण योजनाएं। एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, और हमारे किताबों की जो बुद्धिमत्ता है वो कुछ नहीं है। व्हेन कंपेयर्ड विथ योर केयरेसेस, जब उसकी तुलना तुम्हारे कोमल स्पर्श, एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, और तुम्हारे आनंद भरे चेहरे से की जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो कंट्रविंग्स में होता है वो चतुर्योजना होता है, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, और बुक्स माने किताबें, कंपेयर्ड मीन्स तुलना करना, केयरेसेस का मतलब होता है कोमल स्पर्श, ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स यानी कि जो चेहरे की जो चेहरे का जो आनंद है, चेहरे की जो सुंदरता है। आगे यहाँ पर देखेंगे, यू आर बेटर देन ऑल द बलार्ड्स, यू आर बेटर देन ऑल द बलार्ड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है तुम्हारे गीतों से, तुम्हारे भजनों से कहीं तुम अधिक बेहतर हो। ऑल द बलार्ड्स, सभी गीतों से, सभी भजनों से कहीं तुम अधिक बेहतर हो। That ever were sung or said, जिन्हें कभी गाया गया था या गाए गए हैं। For ye are living poems, क्योंकि ये जीवित कविताएं हैं। And all the rest are dead, और सब मृत हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जो बलार्ड्स होता है वो होता है गीत, भजन या
हम लोक गीत जिन्हें कह सकते हैं, और एवर माने कभी भी, और संग माने गाए गए, और सैड माने कहे गए, और लिविंग पोएम्स का मतलब होता है जीवित कविताएं, और रेस्ट और डेड का मतलब होता है मरे हुए। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पोएम है और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये का मतलब होता है तुम, और आप देख सकते हैं कि कई जगह पर ये वाई ई का प्रयोग किया गया है। डब्ल्यू एच लॉन्ग फेलो इसके पोइट हैं, इन्होंने इस पोएम को लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर चलते हैं और हम अबाउट द पोएम के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अबाउट द पोएम कविता के बारे में, द प्रेजेंट पोएम इज अबाउट चिल्ड्रन, यह वर्तमान जो कविता है वो बच्चों के बारे में है। द पोइट सेज, यहाँ पर कवि कहता है, दैट चिल्ड्रन स्पीड जॉय एंड रिलीव अस फ्रॉम एंगजाइटी ऑफ लाइफ, एंगजाइटीज ऑफ लाइफ, बच्चे आनंद और खुशी फैलाते हैं, खुशी हमें देते हैं, फ्रॉम एंगजाइटीज ऑफ लाइफ, जीवन की चिंताओं में जब हम घिरे होते हैं तब उस समय हमें बच्चे खुशी और आनंद प्रदान करते हैं। देयर केयरलेस हैप्पी, उनकी स्वच्छंद खुशी, लुक्स आर मोर वैल्यूएबल देन द विजडम ऑफ बुक्स, वो किताबों की बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक मूल्यवान है। ही कंपेयर्स देम टू द स्वीटेस्ट सॉन्ग, जब वह इसकी उनकी तुलना स्वीटेस्ट सॉन्ग मधुर गीतों से करता है, टू हिम दे, तो उन्हें वे आर लिविंग पोएम्स, तब उन्हें वो जीवित कविताएं लगती हैं। एवरीथिंग एल्स इज लाइफलेस, और हर चीज़ जीवनहीन लगती है। तो ये फ्रेंड्स इस कविता का जो भावार्थ था वो है जो बहुत ही छोटे शब्दों में दिया गया है। तो मेरा मानना है कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगे होगी। और यहाँ पर हम आपको फ्रेंड्स दिखा रहे हैं कि कुछ एक दो स्टेंजा के हमने जो मीनिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे नहीं बताए थे, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्ड्स मीन्स पक्षी होता है, और सनशाइन मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश, एंड थाट्स मीन्स होता है विचार, ब्रुकलेट्स फ्लो का मतलब, ब्रुकलेट मीन्स होता है छोटी नदियाँ, और फ्लो माने बहना, विंड और विंड माने हवा, और ऑटम मीन्स पतझड़, फर्स्ट माने पहला, फॉल ऑफ द स्नो यानी कि बर्फ का गिरना। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न विंडोज का मतलब होता है, ईस्टर्न मीन्स होता है पूर्व की, विंडोज माने खिड़कियाँ, टुवर्ड्स माने की तरफ, सन माने सूर्य, और लुक माने देखना, थॉट्स माने विचार, और सिंगिंग स्वालोज का मतलब होता है छोटे पक्षी, ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन्स, ब्रुक्स मीन्स होता है छोटी छोटी नदियाँ या नाले कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आई हियर माने होता है सुनना, एट योर प्ले तुम्हारे खेल में, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, और परप्लेक्स मीन्स अचंभित करने वाला, जिसे गफलत में डाल देना, और वनिष्ठ मीन्स होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, क्विट अवे माने दूर चले जाना। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनके मीनिंग हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यदि इस पोएम के आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं, क्वेश्चन आंसर समझने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहां से जाके आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और उनको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पोएम आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।